मुझे बहुत जोर से भूख भी लग गई है बा। क्या हाँ बा, तुम्हें भूख लग गया है? हाँ बा। ठीक है शंकर, चलो अपने वाल में पिताजी को इंतजार करेंगे। ठीक है बा। हाँ प्रणाम सेनापति जी। प्रणाम रे शंकर। हाँ आग मैं भूखो भूखो लग लो। हाँ मुझे बहुत जोर से भूख लग गया है। वही छोड़ मुझे सूखा है। लेकिन आप लोग चले आए, पिताजी कहाँ? अरे बहन सुशीला, तुम्हारे पिताजी का कहना हुआ से आलोचे बहन सुशीला, तुम्हारे पिताजी का कहना हुआ सेनापति और पचकौड़िया जंगल में शिकार खेल लिए, तुम यह अंगूर का जूस लो, चलो आगे आगे शंकर और सुशीला को पिला देना, पीछे से दोनों भाई बहन से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या ये पिताजी ने आम का जूस भेजा है? आम नहीं के अंगूर का जूस है। दोनों भाई बहन हाफ हाफ पी लो, तुम्हारे पिताजी पीछे से चले आएंगे। पिताजी आएंगे? ए शंकर पियो पियो नहीं पियो। क्या पियो पियो? अरे पिएगा नहीं तो कैसे जिएगा बताओ तो? पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? जिएगा कैसे? लो तो क्या करेंगे? पियो पियो बच्चो, पियो 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 खूब। पियो पियो नहीं पियो, पियो पियो खूब पियो, तोरा पियो पियो खूब पियो। क्या हाफ हाफ पियो? हाफ हाफ पियो बन पीले। पियो पियो जल्दी पियो, जल्दी पियो। पहले मुझे तो बन। अरे तो बहुत जोर सुशीला। हाँ पिताजी। ये तुम दोनों क्या पीने के लिए लड़ाई कर रहा है आपस में? पिताजी पिता शंकर क्या है इस गिलास में? पिताजी इसमें तो आप ही भेजे हैं अंगूर का रस। अंगूर का रस? हाँ पिताजी। कौन लाया है ये? लाया कौन है? ये लाया है सेनापति जी ने और पचकौड़िया भैया ने। बेटी सुशीला इसमें कोई अंगूर का जूस मैं नहीं भेजा हूं। अब क्या है पिताजी? बल्कि इसमें विष दिया हुआ है, देखो जरा इसे गौर से। तुम दोनों में से कोई इसे पिया तो नहीं है बेटा? नहीं पिताजी नहीं पिए। सेनापति पचकौड़िया मेरे साथ धोखा किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद भी करता है ये साला। मेरे हाथों से धनुष बाण छीन करके वहां से भाग दिया, मुझे निहत्था बना करके। तुम दोनों साइड में खड़े हो जाओ। ठीक है पिताजी। अरे पचकौड़िया बेटा शंकर हवेली से जरा चाबुक ले आ। आया रे एक जाना कहिया तोरा शादी हो, कहिया माता तोरा बिया हो ना तो। तो पीछे हट के रहो, हुआ क्या है तुझे? चादर ओढ़ के आया है गर्मी में। जी शट अप,
पेटो भोकै छे हुआ क्या पेट दुखै छे क्यों बाबू राति के ना झार भग ले मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ दवा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दवा कैप्सूल है गाय बैल को खिलाने वाला गाय बैल वाला ना खेमो इतना बड़ा एक टेबलेट को तीन खुराक खिलाऊंगा इसी में तंदुरुस्त जल्दी हमरा ठीक करियो चल हाथ उठा उठा बता मेरे हाथों से धनुष बाण छीन करके क्यों भाग महाराज इसमें मेरा गलती बाबू नहीं है तो गलती है सेनापति का बुला सेनापति को सेनापति मकान ढुकलो बुला क्या हो गया क्या हो गया हाथ कौन तोड़ दिया हाथ कौन टूट गया सेनापति उंगली हिलाइए तो हिलता है जोर से हिलाते हैं तो हिलता ये टूट गया कैसे मालिक मार मार करके दोनों हाथ तोड़ करके टुंडा बना दूंगा मालिक शिकार के पीछे दौड़ते 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 शिकार के मेरे मालिक शिकार के पीछे दौड़ा दौड़ते 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 साला शिकार कूद गया हम खदाइयों में गिर गए और मेरे हाथ से धनुष बाण किस हाथ से छीन लिए हाँ आज आज तू ये नाटक जो किया दांत शरण पता मेरे हाथों से धनुष बाण कौन छीना था तू या तू आज दो में से कोई नहीं बचेगा जिस थाली में खाया उसी में पैखाना भी कर दिया आपके हाथों से हथियार हम छीने हैं क्यों लेकिन जब जंगल में आपका हथियार हम छीन लिए तो आप जंगल में बच कैसे गए ये भी मैं बताऊंगा लेकिन ये बता ये अंगूर का जूस कौन लाया ये सेनापति 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 जूस में काला 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 ये कौन लाया है सेनापति सेनापति ये 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 पचकौड़िया लाया है पचकौड़िया लाया है पचकौड़िया इसको पकड़ो पकड़ो इसको हाथ में पहले इसको आधा तू पिएगा आधा पचकौड़िया पिएगा आधा सेनापति ए महाराज क्या हुआ जूस बाबू हम नहीं पीना क्यों हमारे बीच हम जांच करे छे क्या हो गया डॉक्टर बागल के जा बेटा जूस पी ला तेरा एक घंटा मन नहीं लगते जूस पीला बाद हमरा मन नहीं लग रहा हेलो ई जूस बाबू सेनापति के पिला दियो नहीं मालिक मैं मोटा आ तुम्हें क्या हुआ इसको पीने से तुझे बीमारी होता है सेनापति आगे बढ़िए पकड़िए उसको आधा घीजिए आधा वो पिएगा मालिक हमारा तो हाथ टूटा हुआ है खकर लिया कैसे खट्टा पिएंगे ना अभी यहाँ टूटा ऐसे पकड़ लिया पियो उसको अगर पिएंगे तो हमारा हाथ और खराब हो जाएगा बताइए और शंकर सुशीला पी लेता तो ठीक रहता झाड़ नमक हराम हो तुम लोग इस राज में कोई चीज की कमी नहीं दिया फिर भी मेरे साथ तुम लोग धोखा किया
शंकर और सुशीला।